हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज इस वीडियो में हम बात करेंगे सीईटी एग्ज़ाम। जैसे कि अगर आपको पता होगा कि आपके 2021 के जो एग्ज़ाम्स होने वाले थे उसको कैंसिल कर दिया गया और आपको डायरेक्टली प्रमोट कर दिया गया। लेकिन अब ऐसे कुछ यूट्यूबर्स बोल रहे थे क्या, तो शायद से कुछ स्टूडेंट्स हैं तो स्कूल वाले बोल रहे थे कि आपको सीईटी का एग्ज़ाम देना होगा एडमिशन के लिए, क्या ये सच है? तो इसी के रिलेटेड हम क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले। तो उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि आपकी जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी एग्ज़ाम्स को लेके या तो एडमिशन को लेके आपको मेरे चैनल पे मिलेगा। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम सीईटी एग्ज़ाम की। तो जैसे कि अगर आपने सुनो होगे कि काफ़ी यूट्यूबर्स या तो फिर सोशल मीडिया पर आ रहा था कि आपको सीईटी का एग्ज़ाम देना होगा कोई अच्छी कॉलेज में एडमिशन के लिए, तो लेकिन ऐसा अभी तक कुछ भी ऑफिशियल अपडेट सर्कुलर आया नहीं है। जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है जगताप सर जी ने, उनका एक सर्कुलर आया, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, ना ही हम लोग अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल सर्कुलर रिलीज़ किया है जिसको सीईटी का एग्ज़ाम देना है स्टूडेंट्स को। तो अभी ऐसा ऑफिशियल सर्कुलर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आया नहीं है कि एडमिशन के रिलेटेड। कुछ कॉलेजेस ने अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दिए, गूगल फॉर्म भरना, जिसके थ्रू स्टूडेंट्स के क्या लेंगे वो एग्ज़ाम्स लेंगे 100 मार्क्स या 200 मार्क्स के, और वो बेसिस पे उनको एडमिशन देंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ अपडेट आया नहीं, तो आपको किसी भी बातों पर विश्वास नहीं करना है। इन्होंने वो सर्कुलर में एक और चीज़ मेंशन किया है कि कॉलेजेस को रिक्वेस्ट किया है कि अभी तक आप कुछ ऐसा स्टूडेंट और पेरेंट्स के मन में कुछ गलत चीज़ें मत लेके आओ कि आपको ये एग्ज़ाम देना है, गलत अफवाहों पे मत ध्यान दीजिए, कुछ भी सर्कुलर पास मत कीजिए। स्कूल और कॉलेजेस को दोनों को कहा है कि आप कुछ भी स्टूडेंट्स को गलत इन्फॉर्मेशन मत दो, जब तक इसका कुछ ऑफिशियल सर्कुलर नहीं आता है तब तक आपको किसी पे भी भरोसा नहीं करना है। और रही बात आपके एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए हैं 100%, अब कुछ बच्चे बोल रहे कि सर एग्ज़ाम्स हो गए अभी, जैसे कि अगर आपका कोर्ट पे, जैसा आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट में आपके सब जा रहे हैं जो भी एग्ज़ाम कैंसिल हुए, देखो अब वो अपने हिसाब से हैंडल करेगी गवर्नमेंट क्या करना है। लेकिन इतना कन्फर्म है अब रिटर्न एग्ज़ाम तो होगी नहीं, आपको इंटरनल असेसमेंट पे ही क्या किया जाएगा, प्रमोट या तो पास किया जाएगा। तो मेन मकसद ये था कि सीईटी के लेके अभी तक कुछ भी ऑफिशियल सर्कुलर आया नहीं है, तो उसके ऊपर आपको ज़रा भी कहीं पर भी ध्यान देना नहीं है। हाँ, अगर कुछ ऑफिशियल सर्कुलर आएगा तो आपको मेरे वीडियो पे ज़रूर मानना पड़े। लेकिन कैसे पता चलेगा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे आपको क्या कर सकते हो, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सकती है आपके एडमिशन को लेके। ओके फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू थे, पहली बार अगर आप मेरे चैनल पे विजिट किए थे, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।